नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और झारखंड झारखंडियों का है यही नारा, लगातार अभ्यर्थी लगा रहे हैं और खतियानी हमारी पहचान है। जहां अभ्यर्थी ये नारा लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई सारे विधायक और कई अन्य लोग भी यही नारा दे रहे हैं कि झारखंड झारखंडियों का है। हमारे साथ यहाँ पर छात्र नेता मनोज जी हैं, हम लोग सीधे पहले इनसे जुड़ते हैं। आप लोगों का त्रिदिवसीय आंदोलन जो है वो शुरू होने जा रहा है 17, 18 और 19 अप्रैल को, एक बड़ा आंदोलन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। जरूर, ये निश्चित रूप से पूरे झारखंड में बता रहे हैं ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ सत्ता पक्ष के विधायक भी बोल रहे हैं, चाहे जेएमएम के हों चाहे कांग्रेस के हों, कि मनोज तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम नहीं लड़ोगे हमारे पास में तो हम लोग बंधे हुए हैं कि अगर हम पार्टी के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप तो वह स्वतंत्र हो, बताइए सत्ता पक्ष के लोग, आप बताइए विनोद सिंह जी बगोदर विधायक, वो बोले हैं कि जब बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति निकला है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और झारखंड वो बिहार का निवासी होना चाहिए, जब ये वहाँ निकल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, यही तो हम कह रहे हैं, बता रहे हैं तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष सारे लोग कह रहे हैं कि जो भी आप लोग कर रहे हो बहुत बेहतर कर रहे हो, और आने वाला जो है हर एक युवा समझने लगा है कि हमारी नौकरी जो है, भले हमारे पूर्वजों ने लड़के मेरा झारखंड लिया, लेकिन अब मुझे अपना नौकरी भी लड़के लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि 40% में बैरियर लगाया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए अभ्यर्थी, हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया है, वो तमाम चीज़ों को देख करके हम लोग करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग ये नियमावली कोर्ट में जा करके ना फंसे। देखिए मैडम जी, आप लोग बहुत बढ़िया से आप लोग उन लोगों से क्या बोलते हैं कि नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि बोल उस 40% में भी फिल्टर लगाएंगे, तो कौन फिल्टर लगाइएगा, एक्वा गार्ड लगाइएगा कि वह आरो लगाइएगा कि सिंपल फिल्टर लगाइएगा कि सीधे बोल दीजिएगा नदी जैसा जो घुसो, जितना घुसना है घुस जाओ, ये गंगा जल है सब वह नहा जाओ, ये आप फिल्टर बताइएगा तब ना, नीति बताइएगा तब ना, कि आप अपना कार्यकाल खत्म कर दीजिएगा नीति बनाते हुए, नौकरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, आपके पास समय नहीं है, आप बता रहे 3.5 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अब कब नियम बनाइएगा, कब हमको नौकरी दीजिएगा, कब आप परीक्षा लीजिए फॉर्म में भराइएगा आप दिसंबर तक, फिर वह जो है तब तक तो लोकसभा चुनाव आ जाएगा जी। अगर बात करें अभी फिलहाल जो आप लोगों का जो कार्यक्रम है उस दौरान 17 तारीख को ही जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव आप लोग कर रहे हैं, उस दिन कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है, आप लोगों का घेराव और कैबिनेट की बैठक, ये बहुत संयोग है, बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर जितना छात्र जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे और शाम को कैबिनेट में फैसला होगा कि वह झारखंड झारखंडियों के लिए ही है, ये 60-40 न चलता, 100 में 100 हमारा है, यही छात्र नेताओं का नारा है। तो यानी कि कैबिनेट में लग रहा है कि आप लोगों का आंदोलन सफल हो जाएगा, कैबिनेट में सारा मामला आ जाएगा। हम कैबिनेट के भरोसे नहीं है, हम अपना काम करना जानते हैं, हम अपना काम, कि कैबिनेट वाला सब झूठ सच करता है, ये बाप रे बाप, ये एक बता रहे हैं ना, इतना झूठ बोलता है ये साहब, इन लोगों को झूठ का ट्रेनिंग कहाँ से, झारखंडी ऐसा नहीं हुआ करते थे, झारखंडी सीधे साधे हुआ करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, और झारखंडी झारखंडियों से झूठ बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरे को ठगने का काम करिए। तो हमारे साथ और भी छात्र जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। और हम लोग यहाँ पर योगेश भारती जी भी, हम लोग सीधे इनसे भी जुड़ते हैं, क्या कुछ इनका इस पूरे मामले को लेकर के कहना है, क्योंकि लगातार ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। योगेश जी, लगातार आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आप लोगों का एक बड़ा आंदोलन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले कि जितना भी तमाम झारखंड के छात्र सब तो आवेले तैयार हथिन, और हम इनके एकमात्र है कि इतना दिन संघर्ष करे से अपेक्षा कि 3 दिन संघर्ष करिए और कहीं सरकार मान जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। और उस दिन कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट बैठक है, यानी कि 17 तारीख के शाम 4 बजे से, हम इन तो पहले 10 बजे से आंदोलन करबे, तो कहीं ना कहीं हम इनके विश्वास है और आशा है कि मूल निवासी आदिवासी सरकार हम इनके कहीं ना कहीं हम इनके सरकार सुनते आवाज़ और हम इनके हित में काम करते। काफ़ी उम्मीद है, क्या लग रहा है अगर कैबिनेट में पूरी चीज़ें आ जाती है तो अन्य जो 2 दिनों का आप लोगों का कार्यक्रम है क्या वहीं पर खत्म जाएगा, या अगर नहीं आती है तो आगे का कार्यक्रम कैसे रहेगा? बिल्कुल मैम, अगर आंदोलन अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब एक्शन हम इनके प्रति ले ले तो हम इन कोई जरूरत ना, हम इन विपक्ष के नेता ना ही, हम इन कोई नेता फेता ना ही है,
तो हमिन जही एक छात्र के और छात्र आंदोलन करब और हमिन के कहना अगर मान जेते सब कैबिनेट में पास कर दे तो का जरूरी हमिन के आंदोलन करना, हमने एग्जाम आराम से तैयारी करब पढ़ब, हमने यहाँ आंदोलन करे थोड़े ना लिए, समय बर्बाद करे ना आलिए, लेकिन सरकार ना सुन रहा एक वजह से हमिन जो है आंदोलन कर रही, और ये 60-40 ना चलत तो ना चलत, 60-40 ना चलत तो ना चलत, और ये 2400 जिला में मसाल जुलूस एतौ, तर 17 तारीख के पूरा झारखंड एपथुन सी एम आवास, और 19 तारीख के पूरा झारखंड जो है ब्लॉक लेवल तक भी बांध देता हूँ। नेताओं का कहना है कि 40% में फिल्टर लगेगा, बैरियर लगेगी, छात्र थोड़ा सा धैर्य रखे, जहाँ इतना धैर्य रखे वहाँ पे थोड़ा सा और रखे, तमाम चीज़ों पर सरकार काम कर रही है, आप लोगों की आवाज उन तक पहुंच गई। कहिया 40% करते से बोले चाहिए, 40% आज बाहर मतलब कि 22 साल है गेले, 23वां साल चल रहा है, तो 23 साल में करे ना सकले तो कहिया करते, पहले तो 1932 बोल रहा है कि 1932 करबे, अरे भैया 40% हाथवे ना सक रहा है तो 32 वाला कर सकता है, यह असंभव बात है। इसका तो विधेयक उन्होंने बनाया, उनका कहना है कि 32 का विधेयक हम लोगों ने बनाया, राज्यपाल के पास भेजा, पूर्व राज्यपाल ने उसे उसकी वैधानिकता पर सवाल खड़े किए, उसके वापस कर दिया। देख मंत्री यार विधायक कहाँ सुनते हैं, ये केवल ढूंढते हैं से हाल इन लोग बना के रखा है, इसलिए कोई मंत्री विश्वास पास नहीं है। आज मंत्री आलमगीर आलम पास हम लोग मिलने गए थे, लेकिन सुबह कहाँ देखिए तुरंत जारी कर दिया, रोस्टर जारी कर दिया आरक्षण वाला, क्यों कौन जिला में किसको आरक्षण मिला नहीं मिला है, तो इन लोग के कोई भरोसा नहीं है। ये जब तक से इन लोग नहीं करते हैं जारी, जब तक से हम लोग नहीं एक्शन लेते हैं और जब तक से मोहर नहीं मारते हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ छल्ला और ये छल कपट करने के लिए खून चूस रहे हैं और हम लोग के साथ धोखा और बोका मानुष बना रहे हैं, इसलिए यहाँ के सब छात्र जाग चुके हैं। अब 17-18 तारीख यानी कि 72 घंटा के आंदोलन है, अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, सभी छात्र उग्र हो चुके हैं, इतना 22 साल से आज जो है कहीं डिग्री लेके बैठ गए हैं, एमटेक बीटेक पीएचडी मास्टर डिग्री किए हुए हैं और पूरा जो है कोई डिग्री काम नहीं कर रहा है ना बहाली आ रहा है, तो हम लोग कोई डिग्री माने मतलब नहीं है मैम, इसलिए तमाम छात्र आ रहे हैं 3 दिन के लिए, 3 दिन धरना निश्चित रूप से देंगे और झारखंड बंदी का भी ऐलान सभी छात्र नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए बंदी निश्चित तौर पर तरीका से ही होगा। खतियान हमारी पहचान है, लगातार आप लोग यही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और खतियान को लेकर के तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग संघर्ष करें, 1932 खतियान हमारा संघर्ष है। हाँ बिल्कुल, देखिए संघर्ष है क्योंकि अभी जो आप देखिए होंगे पीजीटी का बहाली आया या लेब असिस्टेंट का बहाली आया, तो उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो उसमें साफ साफ बाहरी बच्चों को भरने का मौका दिया गया है, तो जो सरकार बोल रही है कि हमको थोड़ा समय दें हम करेंगे हम तो हित में काम करेंगे, वो बिल्कुल झूठ है, झूठ है, एकदम सरासर झूठ है, और पहले भी ऐसा बोल बोल के उन्होंने बस यहाँ के बच्चों को बरगलाने का काम किया है। पीजीटी के बहाली में अभी नोटिफिकेशन आके फॉर्म भराना शुरू हो गया, अरे कब करिएगा, अब समय बचा कहाँ है आपके पास, आप फॉर्म तो निकाल दिए उसमें साफ साफ मेंशन है कि बाहर के बच्चे उसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं आप कि हम करेंगे यहाँ, ये तो बिल्कुल सरासर एकदम जो बरगलाने वाली बात है। और रहा बात आपने जो कहा कि खतियान आधारित नीति, देखिए पहले की सरकार ने कम से कम 85 का तो कटअप किया था, इन्होंने तो 2023 का कटअप डाल दिया। अभी तो जिस तरीके से नेता ही सत्ता पक्ष के ही लोग कह रहे हैं कि अभी 85 का कट ऑफ हम लोगों ने हटाया नहीं है, वो तो अभी भी मौजूद है, तो क्यों छात्र परेशान हो रहे हैं। देखिए कहाँ कट ऑफ है, 85 का कट ऑफ खाली वो जो होता है कि आपका जो फॉर्म ये आपका आवासीय बनना इसमें अगर लग रहा है आपका, तो उसके आधार पर तो आपका नियोजन में आपने क्या किया, नियोजन में तो आपने जो आरक्षण यहाँ का है सब मिला करके ST SC OBC EWS मिला करके जो 60% होता है, बस उतना ही आरक्षण से यहाँ का बच्चों को नौकरी मिलेगा, बाकी जो 40% सीट रहा है वो ओपन फॉर ऑल इंडिया हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार का नोटिफिकेशन आया जिसमें लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है, बिहार सरकार बीपीएससी के माध्यम से वहां पर गुणवत्ता एक शिक्षक बहाली करने जा रही है, लेकिन केवल बिहारी बच्चों के लिए, बिहार में उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के स्थानीय निवासी उसमें आवेदन करेंगे, तो झारखंड सरकार क्या कर रही है फिर, झारखंड सरकार के पास भी ये हक है, वो नियम बना सकती है ये लिखते हुए कि भारत का नागरिक और झारखंड राज्य के निवासी आवेदन करें, ये काहे नहीं लिखती है यहाँ पर, पीजीटी का नोटिफिकेशन में सिर्फ केवल लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक लगातार अभ्यर्थी अपनी आवाज इसको लेकर के बुलंद कर रहे हैं, झारखंड झारखंडियों का है, खतियान हमारी पहचान है, लेकिन कैसे झारखंड झारखंडियों का है, ये सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं, क्योंकि 40% ओपन फॉर ऑल रखा गया है, जो भी पीजीटी का अभी विज्ञापन निकला, लैब असिस्टेंट का निकला, उसमें 40% ओपन फॉर ऑल है, तो आखिर झारखंड झारखंडियों का कैसे हुआ, ये सवाल अभ्यर्थियों का है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस और 19 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। इसी ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में तमाम अभ्यर्थी जुटेंगे और यहां से फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के लिए कूच करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्ट पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।